गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मार्च 2020 का जो पेपर था अलजेब्रा का, वो वाला पेपर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था इसके अंदर देखते हैं हम। मार्च 2020 का पहला क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस सिलेबस से है आपका, जीएसटी वाला है तो वो हम नहीं देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दूसरा क्वेश्चन फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे चार इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है वो हमको पता लगाना है। तो देखते हैं हम, पहला दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वो हमें समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पहला जो वेरिएबल होता है वो नंबर के साथ हो या नंबर के बगैर हो, वो स्क्वायर में होना चाहिए। टू स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला स्क्वायर में होना चाहिए, दूसरा वाला उसकी रेशो 1 होना चाहिए और थर्ड वाला नंबर होना चाहिए और 0। अब जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो चार ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है फाई अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब अपॉन में कोई एक्स वेरिएबल आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। दूसरा दिया है एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस फाई एक्स इज इक्वल टू 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जो हमारा ये था, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला होना चाहिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी एक्स स्क्वायर में होना चाहिए, दूसरा एक्स होना चाहिए और सी वाला जो है ये नंबर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जिसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी होंगी आपको। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसके अंदर ए होता है ये, बी होता है ये और सी होता है ये वाला, यानी इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या होंगी? ए की वैल्यू होंगी सिर्फ 2, बी की वैल्यू होंगी 2 और सी की वैल्यू होंगी -4। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ए बी सी की वैल्यू पता करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? अब यहाँ पे इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई इक्वेशन के अंदर से, ठीक है, इसमें हमको दिया गया है डी इज इक्वल टू 49। उसके बाद दिया हुआ है dx is equal to 49 दिया हुआ है, dy is equal to कितना है dy? -63 और d दिया हुआ है 7, या -7 है 7 दिया गया। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन बना हुआ है ये आपकी 1.3 से बना हुआ है, जो क्रामर्स उसूल यानी क्रामर के रूल से बना हुआ है। सबसे पहले अब क्रामर के रूल को थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें से सिर्फ हमको x और y की वैल्यूज़ पता करना है, x और y की वैल्यू पता करना है। तो x का फॉर्मूला क्या बनता है? x का फॉर्मूला बनता है dx अपॉन d। अब dx की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है? dx की वैल्यू है 49 और d कितना दिया हुआ? 7 × 7 = 49, x इज इक्वल टू आएगा 7। अब दिया गया है डी वाई इज इक्वल टू, y की कीमत क्या दिया है? y का फॉर्मूला क्या बनता है? y होता है dy अपॉन d। dy कितना दिया हुआ है हमको? -63 और d कितना दिया हुआ है? 7। तो यहाँ पे आएगा 7 × 7 = 7, 7 × 9 = 63। तो y इज इक्वल टू बनता है हमारा -9। तो y क्या बनेगा? -9। तो कीमत क्या निकलती है? x की निकलती है 7 और y की निकलती है -9। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? थर्ड वाला क्वेश्चन, एन ए इज इक्वल टू 2, पी ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/5, देन फाइंड एन एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी एन एस हमको फाइंड करना है। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है हमको दिया गया है? ये इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस,
ये वाला फार्मूला है। अब जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। पी ए कितना है, 1/5 इज इक्वल टू एन ए कितना है, एन ए दिया हुआ है 2 और एन एस हमको फाइंड करना है। अब जब इज इक्वल टू होगा और अपॉन में जब नंबर्स मिलेंगे हम इसका इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे एन एस इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 होगा, तो एन एस 1 ज़ा एन एस ही आएगा, एन एस इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10, तो एन एस की वैल्यू निकलेंगी 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 का भी, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। एक एक कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व किए जिसके अंदर नियरली 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से एक रिड्यूस सिलेबस से था तो इसके लिए हमने उसको डिस्कस नहीं किए। 3 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया अभी। अब पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी, सेकेंड टी टू और टी थ्री फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोपेगेशन से, यानी हिसाबी तसाद से जिसको उर्दू में हम कहते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, हमको दिया गया है हूज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी टी वन दिया गया है, उसका टी वन दिया हुआ है -2 और द डिस्टेंस -2 और बस कॉमन डिफरेंस यानी डिस्टेंस भी दिया हुआ है -2। तो अब अपने को फाइंड क्या करना है, टी टू और टी थ्री फाइंड करना है। तो डिफरेंस भी कितना है यानी डिस्टेंस भी कितना आएगा, -2 का ही आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, ये फार्मूला हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास टी वन दिया हुआ है बट टी टू हमको फाइंड करना है लेकिन डिस्टेंस मिला हुआ है, तो d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस पुट करेंगे। तो d इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू टी टू, तो पता नहीं है टी टू ऐसे ही लिखेंगे, टी वन की जगह पे डालेंगे -2 है इसके लिए ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, ब्रैकेट में -2 रखेंगे। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू टी टू माइनस, जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, तो ये क्या होगा -2, टी टू इज इक्वल टू ये +2 उधर जाकर ये भी -2 होगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी सिंबल माइनस की रहेंगी, ये -4 होगा, टी टू इज इक्वल टू पूरा उठाकर इधर ले लो, टी टू इज इक्वल टू हो गया -4। अब फाइंड करना है थर्ड टर्म, टी थ्री चाहिए हमको, d इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट करें वैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास d मिला हुआ है -2, टी थ्री फाइंड करना है और टी टू दिया गया है हमको, कितना है टी टू, कितना है यहाँ पे -4, तो ये -4 इस तरह से ब्रैकेट में लेंगे, वापस वही -2 इज इक्वल टू टी थ्री, माइनस माइनस प्लस हो गया +4, टी थ्री इज इक्वल टू -2 +4 इधर आकर -4 होगा, तो T3 इज इक्वल टू हो जाएगा -6, पूरा चेंज करेंगे तो सिंबल भी चेंज नहीं होती, सिर्फ प्लेस बदलती है, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा -6। ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से आपको ऐसे भी दिया जा सकता है या फिर एक्टिव करना होगा, या फिर D ब्रैकेट में बना कर दे देगा T1 और T2 देगा, D तुमको फाइंड करना होगा माइनस करके, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर रिड्यूस दिया हुआ है, GST वाला था वो परसेंटेज के लिए। तीसरा देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ निकालना है, जैसे कि मैंने पहले उसको डिस्कस किया थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई, 2x² -5x +7 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस इक्वेशन से हमको ए बी सी की वैल्यूज़ हमको निकालनी होती है, उसकी कीमतें मालूम करनी होती है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ए और बी की बोला हुआ है, लेकिन हम सी की भी निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन सी वाला बनता है पेपर में तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या निकलेंगी, 2 निकलेंगी, यानी इस वेरिएबल के साथ जो नंबर आया हुआ है उस नंबर की वैल्यू कितनी है, ये 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, -5 है और सी की वैल्यू है 7। बस इतना ही लिखना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, आसानी से हमको मिल जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड वाला, इफ़ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और दिया गया है इसके साथ में, एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई,
x प्लस वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो ये दोनों इक्वेशन की प्लस करेंगे हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, उसी के नीचे लिखो 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। जब पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x और y की कीमत आपको पता करनी होगी, तो जब सिंबल देखो, जब वेरिएबल सेम होंगे, ठीक है, वेरिएबल अलग होंगे लेकिन नंबर सेम होंगे, जैसे कि x 15 है, यहाँ पर y 15 है, यहाँ पे y 17 है, यहाँ पे x 17 है, तो जब इसका सॉल्यूशन करना है, x और y की कीमत पता करना है तुमको, सिर्फ x और सिर्फ y की, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, फिर दो इक्वेशन मिलेंगी, फिर इक्वेशन के मुताबिक उनके सिंबल देखकर आपने क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। जब इक्वेशंस करना क्या होता है, ये सिंबल पर डिपेंड होता है। तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम इनके दोनों की प्लस करेंगे, क्या मिलेंगे हमको प्लस करने पर, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं, 12 के 2 कैरी करेंगे 1, 2, 3, ये हो गया 32x प्लस, सेम नंबर है तो ये डायरेक्टली 32y होगा, और ये 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3, यह आ गया 32। अब ये पूरा 32 नंबर आया है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 32 से डिवाइड कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखना ही नहीं है तुमने, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर ये रफ सॉल्व करो फास्टली और आंसर लिख डालो तुम, डिवाइड इक्वेशन वाई 32, 32 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये x प्लस वाई की तुम्हारी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, तुमको सिर्फ इतना ही पूछा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1,